किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती उसके संस्कार होते हैं और इसी लाइन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे और किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट जो है आप हमारे खुद के एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन के ऊपर हर एक एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अगर तीन वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आप आने वाले एक साल तक हर एग्ज़ाम का टेस्ट आप दे पाओगे ताकि आप एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ठीक है और आज कवर करने वाले हैं सात फ़रवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर उसके पहले बोल दू कि आज दिन में साढ़े ग्यारह बजे आपको एक वीडियो मिलेगा मैथ का जो कल शाम को आपका क्लास नहीं हुआ था ठीक है और दूसरी बात शाम को छह बजे ही मैथ का क्लास मिलेगा आपको इंस्टॉलमेंट वाला किस्त वाला क्लास क्योंकि यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ब्याज वाले से आपके किस्त वाले सवाल रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में तो वो क्लास को छह बजे आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ठीक है तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि पहला प्रश्न है रेंजर एफसी के द्वारा साइन किए जाने के बाद पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है पहली भारतीय महिला यानी इसका मतलब क्लियर है यह क्वेश्चन हिस्ट्री बन चुका है इतिहास बन चुका है अपने आप में और उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी बाला देवी और आप यहां पर फोटो में भी देख पा रही होंगे जर्सी जिस पर दस नंबर का टैग दिया गया है और लिखा गया है आपका बाला और यही है आपकी बाला देवी, बाला देवी तो ये पहली पेशेवर फुटबॉलर बन गई है भारत भारत की ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। आप सभी को पता है गोवा में 2020 का राष्ट्रीय खेल जो है 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 वो शुरू होने वाला है। आपको बताना है कि गोवा में जो नेशनल गेम होने वाला है उस गेम के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में किसे नामित किया गया है यानी मैस्कॉट की बात कर रहा है यहां पर ठीक है ऑफिशियल मैस्कॉट और उसका नाम है आपका रूबी गुल्ला ठीक है यह एक प्रकार की कोयल है आप देख भी पा रहे होंगे ये है आपका मैस्कॉट नेशनल गेम 2020 का जो आपका गोवा में होगा यह याद रखिएगा और गोवा के सीएम कौन है प्रमोद सावंत कैपिटल पानाजी और राज्यपाल कौन है वहां के तो सत्यपाल मलिक अगला प्रश्न हमारे सामने है अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थी तो वह एक उर्दू कवि थे ऑप्शन नंबर आपका डी अगला प्रश्न हमारे सामने है सीबीआईसी के नए चेयरमैन यानी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के नए चेयरमैन यानी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और उनका नाम है एम अजीत कुमार ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने चौतीसवा सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किसने किया है यह आपको बताना है जो कहां पर होने वाला है फरीदाबाद में होने वाला है चौतीसवा चो, सूरज कुंड मेले का उद्घाटन जो है वो अपने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है वो किया गया है अगला प्रश्न हमारे सामने है ऑस्ट्रेलिया ओपन कि आठवां पुरुष एंकल खिताब किसने जीता है यानी यहां पर बात चल रही है आपकी टेनिस को लेकर और यह खिताब जीता है आपका नोवक जोकोविच ऑप्शन नंबर आपका बी बहुत बड़े प्लेयर है आप सभी जानते हैं और एक बात आज का आपका पहला प्रश्न यह निकलकर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल यहां का करेंसी और यहां के प्रधानमंत्री यानी राजधानी मुद्रा और प्रधानमंत्री का नाम ऑस्ट्रेलिया का कमेंट कर, कर आप सभी को बताना है यह आपका आज का पहला प्रश्न है ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है आरबीआई द्वारा मुद्रा चेस्ट के लिए देश की पहली विशेष सुरक्षा टीम किस राज्य में बनाई गई है द कंट्री फर्स्ट स्पेशल सिक्योरिटी टीम फॉर आरबीआई करेंसी चेस्ट बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट और वो राज्य है आपका बिहार और बिहार के सीएम कौन है नीतीश कुमार कैपिटल पटना और राज्यपाल कौन है तो वो है आपके फगु चौहान ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है किस राज्य सरकार ने पेंशन वितरण योजना शुरू की है क्या इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कौन सा राज्य सरकार है अब जो पेंशन जो जो पेंशन मिलता है ना वो आपके घर तक जो है वो पहुंचाया जाएगा और ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट शुरुआत किया गया है तो वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका सी और आंध्र प्रदेश का कैपिटल राजधानी क्या है तो वो है हैदराबाद राज्यपाल कौन है वहां के विश्वभूषण हरिशन्द और मुख्यमंत्री तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी अगला प्रश्न हमारे सामने काला पूर्व पर्व काला घोड़ा जो है वो किस राज्य का कहां पर इस और ये संस्करण है इस का ठीक है और उन्नीस में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि काला घोड़ा जो ये त्योहार है वो कौन से राज्य का है तो वो राज्य है आपका एक्चुअल में ये मनाया जाता है आपका मुंबई में और मुंबई किसका राजधानी है तो सभी को पता है महाराष्ट्र का वहां के सीएम कौन है उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल कौन है तो भगत सिंह होसियारी अगला प्रश्न हमारे सामने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है और उनका नाम है मोहम्मद तोफिक अलावी ऑप्शन नंबर डी और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है कि इराक का मुद्रा और इराक का राजधानी ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है इराक के बारे में यह आपका आज का दूसरा प्रश्न है ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है ए शंकर नारायण हाल ही में रिटायरमेंट हो गए हैं वह किस बैंक के एम और सीओ थे तो ए शंकर नारायण जो है वह कनारा बैंक के एमडी और सीओ थे अभी वर्तमान में कनारा बैंक के सीओ कौन है तो लिंगम वेंटक प्रभाकर और कनारा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो बेंगलुरु में और टैगलाइन क्या है कनारा बैंक का टुगेदर वी कैन ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है Who has bagged the first बुक ऑफ़ द ईयर अवार्ड और उनका नाम क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी अगला प्रश्न हमारे सामने इसरो कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान यात्रा कर रहा है जिसका वजन कितना किलोग्राम है यह आपको बताना है जिसका किलोग्राम वजन की कक्षा में रखा जा सकता है और वो है आपका 500 किलोग्राम ठीक है अगला प्रश्न हमारे सामने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है और आप फोटो में ही देखकर समझ गए होंगे ये कौन है वहीदा रहमान सभी जानते हैं बहुत पॉपुलर एक्टर है इनका जोड़ी राजेश खन्ना के साथ बहुत जमा करता था सभी जानते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है गोपाल बागले ऑप्शन नंबर आपका सी और अगर बात करें श्रीलंका के बारे में तो वहां का करेंसी मुद्रा क्या है श्रीलंकर रूपी राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोटे प्रधानमंत्री तो महिदा राजा पक्सा राष्ट्रपति कौन है तो गोटाबाया राजा पक्षा आज का क्लास बहुत जल्दी कराएं क्योंकि क्वेश्चन आज के ज्यादा थे ठीक है सो so, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप सभी जाकर सक्सेस नाइनटी एट डॉट इन से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बात आज का क्लास का टाइमिंग आप मत भूलिएगा बिल्कुल भी खास सारे ग्यारह बजे आपको एक वीडियो मिलेगा चक्रवर्ती कल के शाम वाला ठीक है सो so, मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ख्याल रखिएगा ठीक है ना चलिए